टीवी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें, वो भी मेरे साथ। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद को केंद्र के पाले में डाल दिया है। गृह मंत्री वलसे पाटिल ने कहा है कि लाउडस्पीकरों को उतारने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही कहा है कि हम किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए कोई कानून नहीं बना सकते। इसी बीच मुंबई के कई इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि भले ही अभी कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति गंभीरता की ओर बढ़ रही है। उधर मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने के मामले में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश को गिरफ्तार किया है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली अमरावती सांसद नवनीत राणा को जेल में मौजूद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर उपजे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नियम बनाने और स्पष्टता लाने की जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकरों को उतारने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। राज्य लाउडस्पीकरों को उतारने या उन्हें लगाने पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जो कोई भी लाउडस्पीकर लगा रहा है उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश से संबंधित है, इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र को फैसला करना चाहिए। वलसे पाटिल ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर अंतिम विचार करना चाहिए। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पष्टीकरण के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा और अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही नीति की जांच करेगा। लाउडस्पीकरों को उतारने के लिए कोई कानून नहीं है। पाटिल ने कहा कि अगर राज्य लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे सभी समुदायों द्वारा इसके इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह भजन और कीर्तन होते हैं। नवरात्रि और गणेश उत्सव के लिए भी लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है। कल सर्वदलीय बैठक में भी हमने चर्चा की कि इसका क्या प्रभाव होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है। हम अन्य समुदाय के लिए अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकते, लेकिन पुलिस हाई डेसिबल लेवल की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद अभी जारी है और लोगों को 3 मई का अल्टीमेटम याद है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि लाउडस्पीकर को लगवाना या हटवाना राज्य सरकार का काम नहीं है। जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अदालत का ये आदेश सभी के लिए मानना जरूरी है। हम किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए कोई कानून नहीं बना सकते। अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर बजाने के नियम में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका असर हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि और गणपति पर भी पड़ेगा। इसलिए लाउडस्पीकर को लेकर मौजूदा कानून को सख्ती से पुलिस के जरिए पालन करवाया जाएगा। नियम के मुताबिक धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर पहले पुलिस से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक जारी रहेगी। हालांकि बंद कमरों के प्रोग्राम में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। रात 10 बजे वाले नियम में साल के 15 दिन की छूट दी जाएगी, जो सिर्फ मध्य रात्रि तक रहेगी। वलसे पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार को आगे आकर इस संबंध में नियम बनाने चाहिए, इससे कोई भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। इसके लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय नेताओं से मिलेगा। वही शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस विषय पर आगामी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही कोरोना के नए मरीज का ग्राफ नियंत्रण में है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा मामले मिल रहे हैं। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक 10 वार्ड इन दिनों हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन वार्डों में कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर मुंबई की औसत वृद्धि दर से अधिक है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुंबई में स्थिति नियंत्रण में है, यहां नए मरीजों की संख्या 100 के भीतर ही है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीएमसी ने जिन इलाकों में निगरानी बढ़ाई है वे है एच वेस्ट वार्ड बांड्रा, ए वार्ड कोलाबा, एफ साउथ वार्ड परेल, के वेस्ट अंधेरी, एच ईस्ट वार्ड खार, जी साउथ वार्ड एल्फिस्टन, डी वार्ड ग्रांट रोड, पी साउथ गोरेगांव, एस वार्ड भांडू और एल वार्ड कुरला। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर 0.008% से 0.017% है, जबकि मुंबई की औसत साप्ताहिक वृद्धि दर 0.007% है। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक 17 से 24 अप्रैल के बीच कोरोना के 521 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 73% मरीज इन 10 हॉटस्पॉट वार्ड से मिले हैं। इनमें से कुछ वार्ड में रोजाना 2 से 5 मरीज मिल रहे हैं, जबकि कुछ वार्ड में रोजाना 8 से 15 मरीज मिल रहे हैं। चूंकि कोरोना के नए मरीजों की संख्या के मुकाबले अस्पतालों से कम मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, इससे एक्टिव मरीजों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। बीते 24 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या में 48
20% वृद्धि देखी गई है। 1 अप्रैल को एक्टिव मरीजों की संख्या 274 थी, जो 25 अप्रैल को बढ़कर 532 तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस ने खार पुलिस थाने के समीप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने के मामले में एक्शन लिया है। पुलिस ने मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि महादेश्वर को मेडिकल आधार पर जमानत मिल गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने रविवार को किरीट सोमैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि उस दौरान सोमैया ने एफआईआर की कॉपी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मामले में पुलिस की ओर से लगाई गई धाराओं से संतुष्ट नहीं थे। किरीट सोमैया पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गिरफ्तार किए गए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने शनिवार को पुलिस थाना गए थे। थाने के बाहर एकत्र हुए शिवसेना समर्थकों ने सोमैया के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जब वो एक एसयूवी में पुलिस थाने से बाहर निकलने लगे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर जूते और पानी की बोतलें फेंकी। सोमैया इसके बाद शिवसेना समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस थाने गए। बांद्रा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दंगा करने के लिए संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन सोमैया ने प्राथमिकी की प्रति लेने से इनकार कर दिया और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो मामले में लगाई गई धाराओं से संतुष्ट नहीं थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली अमरावती सांसद नवनीत राणा को जेल में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ब्लड प्रेशर कम होने के चलते चिकित्सकों ने यह फैसला लिया। अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। दूसरी तरफ नवनीत राणा को जेल में एक अलग बैरक में रखा गया है। उस बैरक में उनके साथ दूसरा कोई भी कैदी नहीं है। इसी बीच राणा दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपति की जमानत याचिका खारिज करते हुए दोनों को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। राणा दंपति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई थी। पुलिस की इस बात में तथ्य है। याचिकाकर्ता एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है, ये सबको पता है। इसलिए ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए, इतनी अपेक्षा की जाती है। इन टिप्पणियों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी एफआईआर साफ बताती है कि दोनों पुलिस को उनके काम में सहयोग नहीं कर रहे थे। ये लॉ अबेंडिंग सिटीजन है और इस वजह से उन्हें पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, पर किया नहीं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश के 20 राज्यों में प्री मानसून बारिश काफी कम दर्ज की गई है। इसकी वजह से इन राज्यों में पानी की दिक्कत हो सकती है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा है। इस बीच योगी सरकार ने यूपी में मंदिर मस्जिद सहित सभी धर्मस्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन्हें उतारने का आदेश दिया गया है। तो उधर भारत के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। वो 66 साल की उम्र में दूसरी शादी करेंगे। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बन रही है आप हमारे साथ। मौसम विज्ञान ने प्री मानसून बारिश को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वे काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च से 25 अप्रैल तक देश के 20 राज्यों में प्री मानसून बारिश काफी कम दर्ज की गई है। इसकी वजह से इन राज्यों में पानी की दिक्कतें हो सकती है, जिससे खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। सब्जियों सहित गन्ना और कपास की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि कई नदी घाटियों में इस पूरे मौसम में बारिश नहीं हुई है, जबकि कई अन्य में काफी कम बारिश दर्ज की गई, जिससे बांध के पानी के उपयोग पर अधिक दबाव पड़ सकता है। भारत में प्री मानसून वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 11% जोड़ती है। IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि किसी नदी के बेसिन में कम या कोई वर्षा नहीं होती है तो ऐसे बेसिनों में जलाशयों पर विभिन्न आबादी की जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने का अधिक दबाव होगा। यह अंततः बांध के जल स्तर को प्रभावित करेगा, जैसा कि 2021 के प्री मानसून अवधि में देखा गया था। ऐसे में फलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए पानी के स्रोतों में भी कमी आई है। अभी तक इन राज्यों में गर्मी से राहत नहीं मिली है, सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़े हैं। IMD के पूर्व महानिदेशक SL राठौर ने कहा कि अच्छी प्री मानसून बारिश पीने के पानी के स्रोतों पर तनाव को कम करती है। भले ही ये बौछारे बांध के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से पूरा नहीं करती है, लेकिन इस अवधि के दौरान समय पर बारिश से बागवानी बगीचों और बगीचों में पानी की आवश्यकता में मदद मिल सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है। कल सोमवार को अहम फैसला होना था, लेकिन यह फिर लटक गया।
कमेटी तकनीकी बेंच और हाईकमान के लेवल पर बात अटकी रह गई। पीके की कांग्रेस में एंट्री के सिलसिले में 8 सदस्यों की समिति गठित की गई थी। इसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि सोनिया गांधी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, अलबत्ता रिपोर्ट पर गौर करने के लिए एक और एम्पावर्ड कमेटी बना दी है। कुल मिलाकर पीके पर कांग्रेस का रवैया कोर्ट में तारीख पे तारीख वाला दिख रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में विधानसभा होने हैं। हाल में 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस अपनी दुर्गति देख चुकी है। अपनी अंदरूनी कला में उसने पंजाब को भी गवा दिया। 2014 में वह लगातार कमजोर होती जा रही है। उसके कई सूरमा और तेज तर्रार नेता छिटक कर बीजेपी या दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। मैनेजमेंट लेवल पर पार्टी आलाकमान पूरी तरह फेल दिखा है। वो न तो आपसी कलह को शांत कर पाया है और न ही पार्टी में एट्रिशन रेट को रोक पाया है। गुजरात में चुनाव से पहले नेताओं का असंतोष जाहिर होने लगा है। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की रस्साकसी जग जाहिर है। राहुल, प्रियंका या सोनिया में से किसी में वो कुवत नहीं है जो पार्टी को जीत की दहलीज के पास भी ले जाकर खड़ी कर पाए, और इनके बगैर पार्टी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा है। इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा था कि मुंबई पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार का भी आरोप लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में सांसद ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से आने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। आरोपों पर मुंबई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया कि खार स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज जहां राणा को उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया था और लॉकअप में अन्य कैदियों के बयान साबित करेंगे कि उनके आरोप सही नहीं है। अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस को राणा की गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से देर शाम तक कोई सूचना नहीं मिली थी। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शनिवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधी आह्वान करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। दंपत्ति ने इससे पूर्व एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए इस आह्वान को वापस ले लिया था। राणा दंपत्ति फिलहाल जेल में है। लोकसभा सचिवालय ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा द्वारा राज्य पुलिस पर लगाए गए आरोपों के बाद सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी। सांसद के एक सहयोगी ने अमरावती में कहा कि सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने यूपी में मंदिर मस्जिद सहित सभी धर्मस्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें उतारने का आदेश दिया है। राज्य में अब तक 100 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाज कम हो चुकी है। सरकार ने ऐसे धर्मस्थलों की थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार तुरंत सतर्क हो गई थी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कई जिले इस मामले में काफी संवेदनशील माने जाते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी ने त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी थी। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालन कराए जाने के आदेश दिए थे। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर किसी अन्य धर्म समुदाय के स्थल, लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के मुताबिक धर्मस्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज उस स्थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। शासनादेश में धर्मस्थलों में नियमों के पालन की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर करने और पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक शासन को भेजने को कहा गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। वो 66 साल की उम्र में दूसरी शादी करेंगे, लेकिन कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अरुण लाल ने पहली शादी रीना से की है और वो काफी समय से बीमार चल रही है। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसमें उनकी पत्नी रीना की भी रजामंदी है। दूसरी शादी को कानूनी सही ठहराने के लिए पहले दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया और अब शादी की तैयारी में लग गए हैं। अरुण लाल की होने वाली पत्नी का नाम बुलबुल साहा है। बुलबुल की उम्र 38 साल है, यानी वो अरुण लाल से 28 साल छोटी है। अरुण और बुलबुल ने एक महीने पहले ही एंगेजमेंट की, जबकि रिलेशनशिप काफी समय से है। बुलबुल साहा एक स्कूल टीचर है।
कोलकाता के होटल पियरलेस इन में 2 मई को अरुण लाल और बुलबुल की शादी होगी। शादी में बड़ा रिसेप्शन भी दिया जाएगा। उनके कुछ साथी खिलाड़ी, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी और उनके करीबी दोस्त इस शादी में शामिल होंगे। अरुण लाल फिलहाल बंगाली रणजी ट्रॉफी टीम के कोच है। उन्होंने प्रतिष्ठित दूरदर्शन राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था और उनको 2016 में कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कमेंट्री छोड़ दी थी। फिर उन्होंने बीमारी को मात देकर बंगाल टीम की कोचिंग की कमान संभाल ली। कोरोना के कहर को देखते हुए चीन की राजधानी बीजिंग के सबसे बड़े जिले चाओयांग ने अपने निवासियों के लिए हफ्ते में 3 बार टेस्टिंग का फरमान सुनाया है। तो पाकिस्तान ने भारत से उस नोटिस पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसपे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान का चयन नहीं करने की सलाह दी गई है। वह यूरोपीय आयोग ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र वास्तव में अनुकरणीय है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। तो उधर भारत की मिसाइल गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने पर इमरान खान ने अब कहा है कि यदि पाकिस्तान चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन हमने मामले को अच्छे से संभाल लिया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कोरोना वायरस का कहर चीन में लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के सबसे बड़े जिले चाओयांग ने अपने निवासियों के लिए हफ्ते में 3 बार टेस्टिंग का फरमान सुनाया है। कोरोना टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही लोगों को शंघाई जैसे कड़े लॉकडाउन का डर भी सता रहा है। इसी वजह से जरूरी सामान की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। बीजिंग में खाने पीने का सामान, अनाज और मीट की कमी देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में ही दर्जनों मामले सामने आए हैं। सोमवार को बीजिंग में 70 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 46 चाओयांग में थे। 2.2 करोड़ लोगों वाले बीजिंग शहर में चाओयांग में 35 लाख लोग रहते हैं। हालांकि संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार शंघाई जैसा कड़ा लॉकडाउन लगा सकती है। बता दें कि शंघाई में पिछले 4 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन है। चीन इस समय तेजी से फैलने वाले कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ रहा है। बीजिंग का चाओयांग व्यापार का केंद्र है। यह बड़ी बड़ी इमारतों के साथ ही कई बड़े मॉल और दूतावास स्थित है। बीजिंग के 16 में से 8 जिलों में अब तक कोरोना के मामले सामने आए हैं, जहां एक भी मामले होने पर अधिकारी बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। शंघाई के मुकाबले राजधानी के मामले कम है, लेकिन वहां खाने की कमी शुरू हो गई है, जिससे ऐसा लगता है कि बीजिंग के लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपने जानने वालों से कह रहे हैं कि वह जरूरत के सामानों को स्टॉक कर ले। पाकिस्तान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में जारी संयुक्त नोटिस पर भारत से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान का चयन नहीं करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के इस खुल्लम खुल्ला भेदभाव वाले कदम के जवाब में पाकिस्तान उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गत शुक्रवार को संयुक्त परामर्श में भारतीय छात्रों से पाकिस्तान के किसी कॉलेज या शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेने की अपील की थी। परामर्श में कहा गया है कि पाकिस्तान के किसी डिग्री कॉलेज या शिक्षण संस्थान में प्रवेश चाह रहे किसी भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक को पाकिस्तान में प्राप्त किसी भी विषय में ऐसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भारत में रोजगार मांगने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। पाकिस्तान ने UGC और AICTE द्वारा जारी इस सार्वजनिक नोटिस की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर लाइलाज सनक की वजह से भारत सरकार निश्चित रूप से छात्रों पर अपनी पसंद की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए दबाव डाल रही है। UGC ने 2019 में भी ऐसा एक परामर्श जारी करके भारतीय छात्रों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अर्थात POKK के संस्थानों में पढ़ाई नहीं करने को कहा था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना की और कहा कि भारत में जब हर 5 वर्ष बाद संसदीय चुनाव में लोग वोट डालते हैं तो दुनिया देखती है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना भविष्य चुनता है। भारत का लोकतंत्र वास्तव में अनुकरणीय है। इसी क्रम में उन्होंने रूस चीन के बीच गठजोड़ को लेकर आगाह किया और कहा कि इन दोनों देशों ने एक अनर्गल समझौता किया है, उनके बीच दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के मंजर को उन्होंने अमानवीय करार दिया। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेन में लाशें जमीन पर पड़ी है, सामूहिक कब्रें भी देखी गई है। हमने रूसी सैनिकों द्वारा किए गए अपराध के बारे में वहां बचे लोगों की जुबानी सुनी है। निर्दोष नागरिकों को मारना, लोगों की इच्छाओं को दबाना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। रायसीना संवाद में भाग लेने भारत पहुंची लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद में अपने विचार साझा किए।
लेन ने कहा कि रूस की आक्रामकता पर दुनिया की प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों का भविष्य तय करेगी। युद्ध के परिणाम न केवल यूरोप के भविष्य को निर्धारित करेंगे बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत शेष दुनिया को काफी प्रभावित करेंगे। यूक्रेन की धरती से आई विनाश की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के अप्रत्याशित मुहाने की ओर जाती दिख रही है। यूक्रेन में भीषण जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अच्छे अभिनेता है और बातचीत का नाटक कर रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें तो जेलेंस्की ने जो कहा है उसमें आपको हजारों विरोधाभास दिखेंगे। हम फिर दोहरा रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर से यह संघर्ष खत्म होगा और इस समझौते की शर्तों को उस समय लड़ाई के दौरान की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले लावरोव ने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा और यह विनाशकारी होगा। लावरोव के इस बयान पर यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि लावरोव का बयान यह दर्शाता है कि रूस को हार का एहसास हो गया है। रूस ने यूक्रेन का समर्थन करने पर दुनिया को डराने की अंतिम आशा को भी खो दिया है। इस वजह से रूसी विदेश मंत्री तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यह केवल कुछ समय की बात है जब यूक्रेन की सेना रूस के कब्जा किए हुए सभी इलाकों को मुक्त करा लेगी। जेलेंस्की ने अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। दरअसल दोनों देशों के अड़ियल रुख से युद्ध को लेकर गतिरोध बना हुआ है और आरोप प्रत्यारोप भड़काऊ प्रतीत हो रहे हैं। भारत की मिसाइल गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान दिया है। खान ने एक रैली के दौरान यह कहा कि यदि पाकिस्तान चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन उसने इस मामले को अच्छे से संभाला। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान में स्वीकार किया था कि नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। इमरान खान ने साथ ही रैली में एक और टिप्पणी की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इमरान खान ने कहा कि वो आलू टमाटर के दाम जानने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने देश के युवाओं के लिए राजनीति में आने की जरूरत समझी थी। पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने की चाहत थी, लेकिन साजिशों ने पानी फेर दिया। बकौल इमरान खान, मैंने देखा कि कैसे कायदे आजम के बाद दुनिया में पाकिस्तानियों का वकार गिरता गया। मैंने देखा कि हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं था कि ये मुल्क बना क्यों है। कायदे आजम के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो पाकिस्तान के बनने का मकसद जाने। मैं 25 साल से अपने कौम को बता रहा हूँ कि जब तक बुराई के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमें आजम कौम बनना है तो अच्छाई का साथ देना होगा। हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद नेता थे। उनको देखकर मुसलमानों को फख्र होता था, कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।